Hello everyone, welcome back to the channel Angrezi Talks and I am Garima. English बोलते हुए confidence gain करने के लिए काफी important हो जाता है कि हम words को सही pronounce करें. यानी जब हम word की गलत pronunciation बोलते हैं तो हमारा confidence और कम हो जाता है. हम बोलने से पहले झिझकते हैं. आज हम कुछ ऐसे top 10 mispronounced words करेंगे जो आप देखेंगे कि इसमें से लगभग काफी वर्ड ऐसे होंगे जो आप खुद भी गलत प्रोनाउंस करते होंगे. चलिए ये वर्ड स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है ENTRE PRE NEUR. आप इस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं? मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर. ऑन पहली चीज, ये एन नहीं है, ये ऑन है. ट्री नहीं है, ट्रो है, ट्रो. प्री नहीं है, प्रो है और उसके बाद योर. एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर. और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन जो रिस्क उठाता है. जैसे आप किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं कि रमेश इज एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर, नॉट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट वर्ड है STRATEGIC. अब ये वर्ड निकला है स्ट्रैटेजी से. अब स्ट्रैटेजी से वर्ड निकला है तो सिंपल सी बात है कि हम इसको स्ट्रैटेजिक बोलेंगे, लेकिन ये वहीं पे गलत हो जाएगा. स्ट्रैटेजी को तो हम स्ट्रैटेजी बोलते ही हैं, लेकिन यहां पे हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक. स्ट्रै आता ही नहीं है, ये हो जाता है स्ट्रेटेजिक. ये बना स्ट्रो, स्ट्रै नहीं होगा. स्ट्र टी में बड़ी मात्रा और जिक छोटा. स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक. जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करता है, स्ट्रैटेजी बना के काम करता है, तो आप उसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज करेंगे. तो आप इसको स्ट्रैटेजिक नहीं, स्ट्रेटेजिक बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड है NICHE, जिसका एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन है नीश. अब श तो हमने पढ़ा था कि SH से बनता है, इसीलिए हम अगर हमने प्रोनंसिएशन पहले ना पढ़ी हो तो हम कभी भी इसको नीश नहीं पढ़ेंगे. लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है नीश, जिसका मतलब होता है किसी चीज में रुचि होना या किसी चीज में इंटरेस्ट होना. नीश का मतलब होता है किसी चीज में रुचि होना या किसी चीज में इंटरेस्ट होना. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का भी एग्जाम्पल देके कह सकते हैं दैट रीना हैज नीश इन ड्रॉइंग. नेक्स्ट वर्ड है HEIRS, जिसका मतलब होता है वारिस. कोई किसी का वारिस होना, यानी उसके मरने के बाद सब कुछ उसी के पास जाएगा, धन दौलत रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ, उसे बोलते हैं वारिस. अब इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन होती है एयर. एयर, एयर कौन सी? जो हम AIR को बोलते हैं, एयर. इसको बोला जाता है एयर, 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 एयर. इसको हेयर्स नहीं बोला जाएगा, ह का आवाज इसके अंदर आएगा ही नहीं और ये बन जाएगा एयर. SUBTLE, अब इसको कुछ लोग सबटल बोलते हैं. अब इसमें बी का साउंड है ही नहीं और इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है सटल. इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है सटल, यानी बहुत हल्का सा, बहुत कम. जैसे कि आप बोल सकते हैं आई हैव अ सटल पेन इन माई नी, थोड़ा सा दर्द मेरे घुटने में है. तो यहां पे ये सबटल नहीं, यहां हो जाता है सटल. सटल मींस कम, सूक्ष्म. अब ये क्या है? अब इसको 99% लोग चोर बोलते हैं, हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स नहीं बोला जाएगा, र का साउंड आएगा ही नहीं और ये बन जाएगा चो. हाउस होल्ड चो, चौमिन खाते हैं चो, हाउस होल्ड चो. कोई आर यहां पे नहीं आएगा,
इसको सिर्फ और सिर्फ चॉ बोला जाएगा, यानी रोजमर्रा की करने वाली रिपीटेशन में, रूटीन में करने वाले काम। अब ये सबसे कॉमन वर्ड है जो हमने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आंसर लिखते हुए बहुत लिखा है। जब कुछ ना आए ये लिख दो, जिसका मतलब होता है आदि, और आदि। अब इसको पढ़ा जाता है एटसेट्रा, जनरली हर कोई इसे बोलता है एटसेट्रा। एट तो सही है, सेक्ट्रा बोलते हैं, सेक्ट्रा नहीं होता, ये होता है सेट्रा। क का साउंड बीच में नहीं आता, एट सेक्ट्रा नहीं होगा, एट सेट रा, एटसेट रा, एट सेट रा, एटसेट्रा, जिसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया आदि। आप कोई भी दो चार फलों के नाम, दस फलों के नाम लिखिए, उसके बाद लास्ट फल के साथ एंड लिखिए, और उसके बाद लिख दीजिए एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ए आर सी एच आई वी ई एस। आजकल जब भी हम अपनी मेल्स को डिलीट करते हैं तो वो इस फोल्डर में चले जाती है। कहते भी हैं कि अगर कोई मेल नहीं मिल रही है तो जाकर देखिए कहीं आपने यहां तो नहीं भेज दी। अब इसको मेरे 99% स्टूडेंट्स आर्चीव्स बोलते हैं। शायद आप में से भी कुछ लोग इसको आर्चीव्स बोलते होंगे, क्योंकि हमने इसका कभी करेक्ट प्रोनंसिएशन किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। अब इसका एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन है आर्काइव्स। अब देखने में ही आपको लग रहा होगा कि आर्काइव्स ये कहीं से नहीं लग रहा है, तो हम इसको आर्चीव्स ही पढ़ेंगे। और मैं खुद भी इसको आर्चीव्स पढ़ती थी जब तक मैंने इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन नहीं देखा था। इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है आर्काइव्स, 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 आर्काइव्स। यानी आज के बाद जब आप अपनी मेल डिलीट करेंगे तो सोच लीजिएगा कि वो आर्काइव हो गई है, वो आर्काइव फोल्डर में चली गई है, आर्चीव फोल्डर में नहीं गई है, वो है आर्काइव। नेक्स्ट वर्ड है एम आई एस सी एच ई वी ओ यू एस। अब इसको जनरली सभी लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो आप वीएस बोलते हैं ये वीएस की जगह वस होता है, मिस्चीवस, मिस्ची वस, मिस्चीवस, मिस्चीवियस नहीं, मिस्चीवस, मिस्चीवस। अब ये इसको अगर इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से भी पढ़ा जाए तो ये ई है, ए का साउंड देगा, ये पी होगा, ये टो होगा, और ये म होगा, तो उस हिसाब से ये एपिटोम बनना चाहिए। और अगर हमें प्रोनंसिएशन इसकी नहीं पता है, हमने इसको कभी यूज नहीं करा है, कभी सुना नहीं है, तो हम लाजमी सी बात है इसको एपिटोम ही पढ़ेंगे। इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है ईपिटमी, ईपिटमी, इपिटमी। एपिटोम है ही नहीं, इसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोनंसिएशन है जो है एपिटमी। अब एपिटमी का मतलब होता है जब कोई चीज किसी का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, जैसे हम कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, मेरे लिए है, शायद किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, आप आर्यभट्टा को इंटेलिजेंस का एपिटमी बोल सकते हैं, लेकिन एपिटोम नहीं। और आप इन वर्ड्स को बहुत इजीली अपने इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। हम जनरली बोलते हैं कि भाई वो तो सुंदरता की मूर्त है, इतना सुंदर है कि सुंदरता उसी से दिखती है, इतना सफेद है कि दूध जैसा है, ये है वो है, हम बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं। यहाँ पे जब कोई किसी का परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबल इंसान देखना है तो उसको देख लो, तो आप बोल सकते हो रमेश इज एपिटमी ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का परफेक्ट एग्जाम्पल तो रमेश है। इसका प्रोनंसिएशन क्या हुआ? एपिटमी। अब एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि हम देखें कि हमें सारे वर्ड सही तरीके से बोलने आए कि नहीं। फर्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। नीश, नीश। एयर, एयर। सटल, सटल। चौ, चौ। एटसेट्रा, एटसेट्रा। आर्काइव्स, आर्काइव्स। मिस्चीवस, मिस्चीवस।
एपिटमी, एपिटमी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपने इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन नए तरीके से सीखी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, नियर्स एंड डियर्स के पास इनको भेजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।